सैफुद्दीन साहब इबला असदक चिश्ती के पाकिजा मुबारक कलिमात से हम और आप सरफराज हो रहे थे। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला और आपको हजरत के जबाने ऐसे तर्जमान से निकले हुए एक जुमला पे अमल की तौफीक रखे। अभी हजरत ने किताब के तल्लुक से फरमाया है, वो दो किताबें हैं, 50 रुपए और 20 रुपए, 70 रुपए देकर आप जल्दी से उसे हदिया कर, दोनों का 50 रुपए आप देकर आप किताब ले लें। इसलिए कि अब हजरत के खिताब नयाब के बाद अब आप तमामी हजरत मुकम्मल तौर पे गुलहाए अकीदत व मोहब्बत शाखे तुबा पे चहकने वाले अनादिल की नगमा संगीत से सरफराज होंगे। मैं देख रहा हूँ कि आप हजरत के खिताब नयाब को आपने बहुत गौर से समाप्त किया, हम संगोश होकर आपने खिताब नयाब को सुना है। परवरदिगार आलम आप तमामी हजरत की समातों को अपनी बारगाह में शर्त कबूलियत अता फरमाए। अब बिल्कुल तैयार हो जाए कि दिलों में इश्क नबी के चिराग जलते हैं। अरे बोलिए लहज के सुभान अल्लाह, दिलों में इश्क नबी के चिराग जलते हैं, जब ही तो घर में खुशी के चिराग जलते हैं। सुभान अल्लाह, दिलों में इश्क नबी के चिराग जलते हैं, जब ही तो घर में खुशी के चिराग जलते हैं, और यजीदियत की हवा क्या उसे बुझाएगी जो करबला में अली के चिराग जलते हैं। यजीदियत की हवा क्या उसे बुझाएगी जो करबला में अली के चिराग जलते हैं। हजरत हजरत का बिल्कुल आराम से तैयार गाह की तरफ जाने दें। अब बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल न बनाए और जो हाँ बिला तासीर आप बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ हजरत को तशरीफ ले जाने दें और हजरत से आप दुआ की दरख्वास्त करें। बिल्कुल इंतशाब ना हो, बिल्कुल अदब और इत्मीनान के साथ आप हजरत को हाँ हजरत जो लोग हजरत से मुलाकात कर लिया बैठ जाए। सुनिए भाई साहब, पूरे मजमे की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप पूरे मजमे की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप बिल्कुल जिंदा दिली का सबूत पेश करते हैं और साथ ही साथ ये कोशिश करें कि आपके जो अगल बगल में लोग हैं वो बिल्कुल बेदार है, हजरत को जाने दें, ताखिर ना करें। हजरत अब थोड़ा माहौल आप बनाए, इसलिए मैंने उस नूर को सीने में बसा रखा है। अरे कब बोलेंगे आप लोग, कब बोलेंगे, जरा आवाज बुलंद करें। वाकई ये हमारी जमात के शोरा अभी तो हजरत हनीफ रजा कादरी बेंगलोर की सरजमीन से आपके दयाल मोहब्बत में गालिबन पहली मतलब इनकी तशरीफ आवरी हुई है, वैसे मेरी पहली मुलाकात है, लेकिन वाकई चेहरा देखने के बाद ये महसूस हो रहा है कि मैंने कई मरतबा इनको देख लिया है। माशाअल्लाह वो चेहरे पे नूरानियत और ये सब सत्ता है नाते नबी का, कहिए सुभान अल्लाह। तो आप अपनी मौजूदगी का हम लोगों को एहसास दिलाएं, आप बिल्कुल अकीदत और मोहब्बत में डूबे हुए शार आप समाप्त फरमाएंगे। मैं चाहूंगा पूरा मजमा जरा अपने दोनों हाथों को फिजा में बुलंद करें और अपनी मौजूदगी का हम लोगों को एहसास दिलाएं। या हुसैन, और आवाज बुलंद करें, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या हुसैन। मैंने उस नूर को सीने में बसा रखा है, मैंने उस नूर को सीने में बसा रखा है, सारे आलम को जो दीवाना बना रखा है, सारे आलम को जो दीवाना बना रखा है, कोई पूछा तो यही बोले तो वैसे करनी, उनसे मेरा सलाम कहिए। आप अपने बगल वाले से मेरा सलाम कहिए, भाई साहब सलाम अलैकुम। अरे हम लोग कैसे नहीं है यार, हम लोगों का सब मदद लगती है, कम से कम इसका ख्याल कीजिए। आज की मजलिस जो है फिर मिले न मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन आज की महफिल को गनीमत जानकर आप बैठे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला यहाँ से उठने से पहले हम तमामी लोगों की मगफिरत होगी, कहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बस इस उम्मीद में बैठे, मैंने उस नूर को सीने में बसा रखा है, सारे आलम को जो दीवाना बना रखा है,
कोई पूछा तो यही बोले तो वैसे करनी नारे तकबीर नारे निशान मसरते आला हजरत औलादे गौसे आदम हजरत सैयद शजर अली मकनपुरी नारे तकबीर नारे निशान यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस औलादे गौसे आदम नारे तकबीर। अब आप लोगों को मैं अब ये समझ रहा हूं कि किसी जाविये से आप कहीं से आपको खामोश रहने का कोई हक नहीं, आप खामोश नहीं रह सकते। अब तो आपकी बेदारी मुकम्मल तौर पे अब जाहिर होगी कि आप कितने बेदार हैं, इसलिए कि मैंने उस नूर को सीने में बसा रखा है, सारे आलम को जो दीवाना बना रखा है, कोई पूछा तो यही बोले तो वैसे करनी दूर रहने में भी कुदरत मजा रखा है, कोई पूछा तो यही बोले वो वैसे करने, जरा आप अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए। इसलिए कि हम न तकदीर न तदबीर लिए फिरते हैं, हम फकत आपकी तस्वीर लिए फिरते हैं, और हजरत शजर अली मकनपुरी की मौजूदगी में जिसको जो चाहिए वो मांग ले हमसे, सब तय सब करो शब्बीर लिए शब्बीर लिए फिरते हैं। अभी आपने हजरत के खिताबे ने आपको समाप्त किया, अब क्या होगा कि गुलाबों की फकत डाली नहीं गुलशन महकता है। अरे बोलिए रहमत सुभान अल्लाह, गुलाबों की फकत डाली नहीं गुलशन महकता है, शमीने इश्क़े नबवी से तो पूरा तन महकता है, और रसूल पाक आए आज से 15 सदी पहले, मगर अब तक हलीमा दाई का आंगन महकता है, मगर अब तक हलीमा दाई का आंगन महकता है। अब आइए बिना काफी शान शाह शेरो सुखन ना दिसे फिक्र फन जीनते बदमे सुखन हजरते हनीफ रजा कादरी ढिल्लो। बिना काफी आपकी समातों के हवाले हो रहे हैं, आपके मेहमान शायर हैं, और आपकी समातों का कितना आपकी समातों का मियार कितना बुलंद है, आप उनकी शायरी के आप अपनी समातों का मियार खूब बुलंद करें। अब आइए इस्तकबाल कर ले, दोनों हाथों को फिजा में लहराएं और अपनी आवाज को ऊंची करें, नारे तकबीर, और आवाज बुलंद करें नारे तकबीर नारे रिसालत यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस मुहर्रम कमेटी नारे तकबीर। मेरी हयात का गुलशन महक ही जाएगा, मेरी हयात का गुलशन महक ही जाएगा, अंधेरी रात में जुगनू टपक ही जाएगा, और मैं इस यकीन से नाते रसूल पढ़ता हूँ कि इसके सबसे मुकद्दर चमक ही जाएगा। देखी भी ने बगदाद नसीम में जिंदाबाद।